आपने अभी तक TMT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TMT न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बिडवाह से 3 किमी दूर वन क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत की प्राकृतिक सुरम्य हसीन वादियों में चुरल नदी के किनारे जेतकर पहाड़ की गुफा में प्राचीन काल में स्वयं प्रकट हुई माता जयंती के दरबार में चल रहे प्रमुख बड़े क्षेत्रीय नवरात्रि में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वन क्षेत्र में इन दिनों माता के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। माता के दरबार में आने वाले भक्तों की मुराद पूरी करने वाली माता जयंती दिन में 3 स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देती है। माता की 3 स्वरूपों में प्रातःकाल, मध्यकाल व सायंकाल की आरती होती है। पंडित रामस्वरूप शर्मा के अनुसार अज्ञातवास के दौरान ने माता की पूजा अर्चना की थी। माता जयंती पाडवो एवराना परिवार की कुलदेवी भी है। माता मंदिर की कुछ दूरी पर वन क्षेत्र में माता के प्रकट होने के समय चमत्कारी भैरू बाबा का मंदिर विराजमान है। भक्तगण माता के दर्शन के बाद भैरू बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है माता के दरबार में है। सो प्रातःकालीन श्रृंगार आरती, दोपहर मध्य आरती और सायंकालीन रात्रि 9 बजे शयन आरती होती है। नवरात्रा पर्व है 9 दिन का, 9 वर्ष के उपलक्ष्य में और 9 वर्ष भी चल रहा है। बाहर से सभी जैसे जो भी माता मंदिर से जुड़े हुए हैं, इंदौर है, आसपास बड़वा क्षेत्र है, लोकल सभी सनावद हैं, दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए। इस चैत्र नवरात्रा सूर्य उत्तरायण में आता है, इसे बड़े नवरात्रे कहते हैं। इसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, रामनवमी के कुछ चैत्र नवरात्रा कहलाते हैं। सब में बड़े हैं, 2 प्रकट है, 2 गुप्त है। यहाँ 4 नवरात्रे ही मनाए जाते हैं। एक आषाढ़ महीने में आते हैं, एक आश्विन महीने में आते हैं, एक मतलब शरद ऋतु के अंदर मतलब आते हैं, जिसे शाकंभरी नवरात्रा कहलाता है। नवरात्रा में दूर दूर से भक्त आते हैं, माता जी का पूजन अर्चन करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान मन्नत वाले भी आते हैं।